सब्जी वाले भैया से हम 5 रुपए के लिए लड़ जाएं, मगर महंगे कपड़ों के लिए पैसों की बौछार कर दें। अपने आत्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए इतना आलस की ना पूछो, मगर मजेदार गर्मा गर्म खबरें पढ़ने के लिए 1 मिनट भी ना रुको। प्रार्थना करते समय शब्दों की कमी हमें सताए, मगर गपशप के समय वही शब्द बारिश के समान बहती जाए। पिक्चर देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मगर प्रार्थना स्थल के दर्शन केवल नए साल हो। गर्मा गर्म गप्पे और पास की पड़ोसियों की बातों के लिए कान एकदम सतर्क, मगर प्रभु के उपदेश और वचन से कान में हो जाए भयंकर दर्द। घुटने टेक प्रार्थना करने से उई आ गई मोच, मगर फोन पकड़ते पकड़ते गर्दन मुड़ जाए तो क्या किसी का दोष। क्या हो गया है हम सबकी सोच को? सही को गलत और गलत को सही मानकर क्या हम अपने आप पर उपकार कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, वास्तव में हम अपने ही नाश का कारण बनते जा रहे हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि हम में अभी भी पाप बसता है। प्रचारक पॉल भी इसी बात को दर्शाते हुए कहे थे कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता जाता हूँ। मगर इस समस्या का एक ही हल है, और वो है अपने पापों को जड़ से उखाड़ देना, जो हम अपने बल और अपनी क्षमता में नहीं कर सकते, मगर प्रभु परमेश्वर के द्वारा यह संभव है। अगर आप भी परमेश्वर की इसी क्षमता पर विश्वास करें तो अपने पापों से मुक्त होकर नित्य सुकून का अनुभव कर सकते हैं।